तो आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल, सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर वन चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको ओडिशा के तमाम इलाकों की वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है जहां जहां पर बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं बालासोर में हूं और आप देखें कि किस तरीके से सुवर्णरेखा जो नदी है वो लगातार उफान पर है क्योंकि झारखंड के जो डैम्स है वहां से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और आप देखें कि कितनी तेजी से अब ये गांव दर गांव बालासोर के तमाम ब्लॉक्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे कुछ घर भी आप देख पा रहे हैं। आप देखें पानी का बहाव इतना तेज है क्योंकि जिस तरीके से डैम से पानी छोड़ा गया है उसके बाद से लगातार पानी का उफान जो है आप देख पा रहे हैं और घरों की तरफ अब पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है, 40 से ज्यादा टीम्स जो है लगातार 4 ब्लॉक्स में लगाई गई है। और इस बीच आपको बता दें SDRF NDRF और फायर कर्मियों की भी एक टीम है जो लगातार लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जिन्हें रात दिन मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है क्योंकि जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं वहां पर बचाने की कवायद जो है लगातार जारी है। लेकिन आप घर की स्थिति देख पा रहे हैं फिलहाल तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से पानी जो है लगातार तेजी से अब घरों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर वो गाँव हो या रिहायशी इलाके हो, इसी तरीके से आपको बता दें सुवर्णरेखा नदी का पानी अब जो है तमाम घरों को अपनी चपेट में लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस बीच ये भी जानकारी हम दे दें कि 4 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। बालियापाल है, जालेश्वर है और बाताल है। हम लगातार वहां का भी दौरा कर रहे हैं, आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पानी का बहाव इतना तेज है कि लगातार जो है घरों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी नजर आ रही है, कई लोगों को फिलहाल जो है इवैक्यूएट करवा दिया गया है। लेकिन आप तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से या तो लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं या अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर है, इधर उधर सामान जो है वो लेते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ ओडिशा की नहीं है, ये स्थिति देश के तमाम राज्यों की है जहां पर इस वक्त बारिश की मार जो है या यूं कहे फंसे नाले जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, वहां पर भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से आपको बता दें कि जिस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं, तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कार नदी के उफान पे फंस गई। आप देखिए किस तरीके से SDRF की टीम्स ने यहाँ पर इस कार में जो लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है और यही तस्वीरें जो हैं ओडिशा में भी लगातार नजर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की बड़ी खबर आपको बता दें, नदी नाले लगातार उफान पर है। SDRF की टीम ने हालांकि देवदूत बनकर यहाँ पर लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, देश के तमाम राज्यों में भी यही तस्वीरें नजर आ रही हैं। पानी लगातार जो है बढ़ रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, उफनते नाले जो है अब लोगों को परेशान कर रहे हैं, आवाजाही प्रभावित हो रही है। और ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें लगातार 24 घंटे से वहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से उफनते नाले में ये कार फंस गई, हालांकि लोगों को यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, अशोकनगर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर लगातार फिलहाल बारिश हो रही है और एक कार देखिए आप किस तरीके से खिलौने की तरह यहाँ पर बह गई। और हादसे के वक्त आपको बता दें कि कार में 5 लोग सवार थे, कार सवार 3 लोगों को SDRF की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू तो कर लिया है लेकिन 2 लोग अब भी लापता, 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो देखिए आप किस तरीके से जान का खतरा जो है अब लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रकृति का प्रकोप तो है ही, इसके अलावा देखिए जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग लापता हो रहे हैं। और मैं तस्वीरें भी ओडिशा की आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए कि लोग किस तरीके से यहाँ पर मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 5 लाख लोगों को रेस्क्यू किया जाना है। ये अब तक का सबसे बड़ा डेटा है, सबसे बड़ा
सिचुएशन होने वाला है अगर इस तरीके से पानी लगातार गांव की तरफ बढ़ता रहा। तो आपको बता दें कि 5 लाख ऐसे लोग हैं या गांव है जो बह सकते हैं और लोगों का रेस्क्यू होना है। अब 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देश के अन्य अन्य राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि लगातार जो है देश के अन्य राज्यों में भी बादलों की बेरुखी या यूं कहें जल प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जनजीवन पूरी तरह से फिलहाल अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। देखिए 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बाद आपको बता दें कि गोविंद सागर बांध के 15 गेट खोले गए हैं। पानी पानी हुआ शहर, शहर शहर बारिश का कहर, नदियों में उफान, सड़क पर सैलाब, आफत वाली बारिश हुई बेहिसाब। अगस्त में आसमान से बरसने वाली बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। शहर दर शहर सिर्फ सैलाब की तस्वीर सामने आई, किसी का घर उजड़ गया तो किसी की जान पर बनाई। ओडिशा में तबाही का मंजर, सैलाब में डूब गए घर, सबसे बुरे हालात ओडिशा में है जहां पुरी से लेकर कटक और बालेश्वर तक बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। ओडिशा में भी सबसे खराब हालात तो पुरी में देखने को मिले, जहां पिछले कई दिनों से लोग बाढ़ में फंसे हैं। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों के घरों में सामान पानी में बहता नजर आया, घुटने तक भरे पानी में लोग अपने दिन काटने को मजबूर हो गए। ये स्थिति सिर्फ एक गांव की नहीं है, यहाँ पर 3 से 4 ऐसे गांव है जो पूरी तरह से फिलहाल पानी में समा गए। बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई तो इलाके में कई फीट पानी भर गया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और वहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुँचाना बड़ी चुनौती बन गई है। ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बालासोर, जलेश्वर, भोगराई, बस्ता, बरियापाल में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन को बाढ़ से निपटने के लिए उचित प्रबंध की बात कही गई, साथ ही इन इलाकों में हेलीकॉप्टर प्लेस करने के आदेश दिए गए हैं। सैलाब में फंसी जिंदगी, अंधेरे में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। ओडिशा के बालेश्वर इलाके में भी बारिश कहर बनकर बरस रही है और इसी बीच एक इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसके लिए राहत और बचाव टीम के कर्मचारियों ने बाढ़ में फंसे लोगों के घरों तक मोटी रस्सी बांधी, जिसके बाद उस रस्सी के सहारे कई लोगों की जान बचाई गई। रात के अंधेरे में रेस्क्यू करने में टीम को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो अंधेरा, ऊपर से कई फीट पानी, एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती थी। कमर से ऊपर तक पानी से भरी सड़कों पर धीरे धीरे चलकर लोगों को नाव तक पहुंचाया गया। इसके बाद उन्हें नाव पर बैठाकर वहां से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आधे देश में जल प्रलय आ रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद 3 दिन में 36 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल में भारी बारिश से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी घरों में घुस आया है। तो आधा देश कैसे जल प्रलय झेल रहा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वाराणसी में भी गंगा का पानी कई घरों में घुस गया है। वाराणसी में ही गंगा ने 84 घाटों को पूरी तरीके से डुबो दिया है। मध्य प्रदेश के भी हाल ज्यादा अच्छे नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, ग्वालियर में भी मौसम विभाग ने तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की वजह से भोपाल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया से आज तक लगातार
आगे बढ़ रहा है, कैसे आज तक को पीछे छोड़ दिया है न्यूज 18 इंडिया ने। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया।